पाकिस्तानी अवाम की शदीद तनकीद के बाद भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट Z5 और वेब सीरीज बरज़ख की टीम ने इसे पाकिस्तान से यूट्यूब से हटाने का ऐलान कर दिया। बरज़ख को पाकिस्तान में जी जिंदगी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, क्योंकि मुल्क में Z5 पर पहले से ही पाबंदी आयद है। वेब सीरीज की पहली किस्त को गुज़श्ता माह 19 जुलाई को रिलीज किया गया था, जबकि इसकी 5वीं किस्त को 1 अगस्त को रिलीज किया गया था। अब तक बरज़ख की 5 किस्तें रिलीज की जा चुकी हैं, जबकि रवां हफ्ते इसकी आखिरी किस्त को रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद इसे पाकिस्तान से यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। कंपनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में तस्दीक की है कि बरज़ख को पाकिस्तान से यूट्यूब से 9 अगस्त से हटा दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक दुनिया भर से बरज़ख की कहानी को सराहा जा रहा है और साथ ही वेब सीरीज़ की तारीफें की जाने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। कंपनी का कहना था कि पाकिस्तान में शायकीन की जानिब से बरज़ख पर तनकीद के बाद फैसला किया गया है कि वेब सीरीज़ को 9 अगस्त से यूट्यूब पाकिस्तान से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान में बरज़ख 9 अगस्त के बाद YouTube पर भी दस्तयाब नहीं होगी, तहम इस वक्त तक वेब सीरीज़ की तमाम किस्तें रिलीज़ की जा चुकी होंगी और पाकिस्तानी शायकीन इसकी तमाम किस्तों को देख चुके होंगे। बरज़ख में 2 मर्द किरदारों को हम जिंस परस्ती की जानिब रागिब दिखाया गया। इन्हें एक दूसरे की जानिब रोमानवी अंदाज में मायल दिखाने पर पाकिस्तानी शायकीन ने वेब सीरीज़ को आड़े हाथों लेते हुए इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। शायकीन की तरह मुतादिद मारूफ शोबिज और फैशन शख्सियात ने भी बरज़ख की कहानी पर एतराज़ किया था और वेब सीरीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में हम जिंस परस्ती को फ़रोग देने जैसे इल्ज़ाम भी लगाए गए थे।